हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी बैठकों में भी राजनीति करना ये उचित नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, वित्त मंत्री जी उसमें उपस्थित होते हैं, और अभी हाल ही में जो बजट पारित हुआ है और ये बजट पेश हुआ है, उस बजट में जैसे मुख्यमंत्री या इंडिया गठबंधन के साथ सारे नेता कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई है, तो उनके पास अवसर था इस बैठक में जाते और जाकर के अपनी बात कहते, और निश्चित रूप से कुछ विषय अगर छूट जाते हैं तो नीति आयोग की बैठक में अपनी बात कह करके उनको शामिल किया जा सकता था। लेकिन इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से कि हम नहीं जाएंगे और बैठक का बहिष्कार करेंगे, इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल का हित आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और राजनीति के लिए अवसर बहुत सारे हैं जहां राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक बात कर सकते हैं, और ऐसे अवसर पर आपने जब राजनीति की है, इसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को उठाना पड़ता है, जहां उनके मुद्दों को आप प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष जब नहीं रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो केंद्र से जो मदद आपको मिलनी है वो मदद आपको मिलने में कठिनाई आती है। मैं समझता हूं कि बहुत गलत निर्णय था ये इंडिया गठबंधन का, और ये सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है, और इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री यहां से तो दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली जाकर के बैठक में नहीं गए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।